कृषि को बढ़ावा देने के लिए और उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन देहरादून स्थित किसान भवन में किया गया। इस बैठक में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ परंपरागत कृषि विकास योजना की एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना को लेकर मंत्री ने विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों से चर्चा की। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 2022 तक किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और पिछले 18 सालों से जिस तरीके से उत्तराखंड में किसान अपनी किसानी को छोड़ रहे हैं उसको देखते हुए हम किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं और आने वाले भविष्य में किसान किसानी करना ना छोड़े इसके लिए हम और अच्छे कदम उठा रहे हैं ताकि किसानों को बढ़ावा मिले और देश को उसका फायदा हो। सरकार का बहुत ही गंभीर प्रयास है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना और उसी के तहत उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य अगर बात है तो उत्तराखंड में जिस तरह के पिछले 18-19 वर्षों में कृषि भूमि में कमी आई और कृषि के प्रति उदासीनता बढ़ी, दो वर्षों में हमारी सरकार के आने के बाद हम लोगों ने कई किसानों के हितों में नियमों में बदलाव किया, मसलन नर्सरी एक्ट के से लेके ऑर्गेनिक एक्ट से लेके सब्सिडियों के तमाम चीज़ों में बढ़ाने से लेके न्याय पंचायत स्तर पर फार्मर्स मशीन बैंक स्थापित करने से लेके बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिए और आज उनके क्रियान्वयन का समय है और भारत सरकार ने जिस तरह से कई योजनाएं हमें मिली मुझे खुशी है इस बात की कि जहाँ देश में सर्वाधिक जिनको क्लस्टर्स दिए गए उनमें से एक राज्य हम भी हैं। उसके अलावा कल ही हमारे सचिव भारत सरकार गए थे और जो पिछले 1.5 वर्ष में जो हमारा एक प्रस्ताव भारतवर्ष में सरकार में लंबित था उसमें कल हम लोगों को फाइनली स्वीकृति मिली है जिसमें प्रथम फेज में 4 जिलों के लिए टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के हमारे प्रोजेक्ट में 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति का कल भारत सरकार की सहमति मिली। इसी तरह परंपरागत किसी भी विकास योजनाओं में हमें तकरीबन 400 करोड़ जो हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से विभिन्न जिलों को क्लस्टर्स बांट दिए हैं उन पर काम की प्रगति के लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे और हर आदमी जवाबदेही के साथ इसमें 3 स्तर पर जिले के अधिकारी और सर्विस प्रोवाइडर्स और RC, उसके बाद हमारे सारे डायरेक्टर और फिर जिले के अधिकारी और तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें स्वयं मैं भी रहूँगा और हमारे सेक्रेटरी और डिजिटल सेक्रेटरी और सारे डायरेक्टर्स रहेंगे ताकि हम कार्य को लगातार उस पर नज़र रखते रहें और जो हमारा एक भावना है कि किसान की आय दुगनी हो और जो भारत सरकार ने जिस तरह से हमें मदद की है उसका वास्तविक धरातल पर उसके रिजल्ट्स आए इसको लेकर एक दूसरा हम लोग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में काम कर रहे हैं उसको लेकर भी समीक्षा करने जा कर रहे हैं। तीसरा जो हमारे विभाग का इस्टेब्लिशमेंट है क्योंकि हम लोगों ने एक सैद्धांतिक तौर पर तय किया था कि उद्यान और कृषि विभाग का एकीकरण होगा तो उसमें तमाम जटिलताएं जो हैं उनको लेकर के चर्चा और जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारे दोनों विभागों का उसको लेकर चर्चा के साथ साथ जो किस तरह से इन उत्पादों की मार्केटिंग की जाए मंडी परिषद के माध्यम से जो सरकार ने निर्णय लिया कि हम एक रिवॉल्विंग फंड जनरेट करेंगे जिसके माध्यम से जिन उन फसलों पर जिन पर भारत सरकार MSP नहीं घोषित करती है प्रदेश सरकार MSP घोषित करेगी मंडी परिषद के रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से उसको खरीदा जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग खुद जो जिन उत्पादों की प्रोसेसिंग की जा सकती है उनकी प्रोसेसिंग करने के बाद जो लाभ होगा वापस किसानों को बांटने का भी एक हम लोगों का निर्णय उस पर भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मंथन के पीछे ये है कि जो मोदी जी का कंसेप्ट है डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर उसको हम किस तरह से अचीव करके इस राज्य के जो मैंने कहा जो सबसे इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि पलायन बढ़ रहा है और पलायन को रोकने का अब तो बहुत बड़ा हथियार एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम एक किसानों की आशाओं के अनुरूप काम करके उसकी आय को बढ़ाने में काम करें इसीलिए मंथन चल रहा है।